हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं बेटा? पढ़ाई। अभी दोपहर का समय है तो हम लोग जा रहे हैं, खाना बनाएंगे। सबसे पहले खाना बनाएंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई भी करेंगे कि है ना बेटा? क्योंकि हाँ। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ना? पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और अनिस का एग्ज़ाम आने वाला है तो हम लोग तो मस्ती नहीं कर सकते हैं, है ना? तो अनिस का एग्ज़ाम आने वाला है तो हम दोनों खा पी के पढ़ाई करेंगे कुछ देर। उसके बाद आज संडे है तो फिर थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देख सकते हैं, है ना? बाकी दिन तो स्कूल जाते ही हैं, है ना? हाँ, तो बाकी दिन हम लोग स्कूल, मैंने बाकी दिन बाबू तो स्कूल जाता है अनिस, तो खाना खा के थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। नहीं, अभी भी पढ़ाई कर सकते हैं खाना बनते बनते, है ना? हाँ, मस्ती नहीं करना है क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में मस्ती नहीं चलता है। मुझे अच्छे नंबर लाना है इसलिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। ये सही बोला। तो चलो हम खाना बनाने जाते हैं और तुम बुक निकालो और थोड़ा पढ़ाई कर लो, ठीक है? उसके बाद ही टीवी वगैरह हम लोग देखेंगे, ओके? ठीक, तो जब तक मैं खाना बनाती अच्छा, हूँ तब सा तक सब्जेक्ट पढ़ेंगे? अभी अभी पढ़ेगा तुम मैथ। अभी मैथ्स पढ़ो, ठीक है? हाँ, पर मैथ्स नहीं, नहीं नहीं मैथ्स नहीं, अभी हिंदी पढ़ो, रीडिंग करो, है ना? जब तक मम्मी खाना बनाती है तब तक तुम रीडिंग करो। पहले वाला पीरियड तो मैथ का ही एग्जाम, पहले वाला पीरियड मैथ का है, लेकिन अब मैं पहले, अच्छा ठीक है, मैं मैथ बनाने के लिए देती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मजा आ जाता है। मैं अभी मैथ बनाने के लिए दूंगी, फिर तुम पढ़ाई करो, मतलब तुम उसको बनाओगे। हाँ। और मैं खाना बनाऊंगी, ओके? तो चलो, होमवर्क में क्या देंगे? हाँ, होमवर्क में क्या देंगे? अभी होमवर्क नहीं, अभी हम ठीक है बनाने के लिए देंगे। हाँ, अभी हम बनाने के लिए देंगे, तो चलो हम बनाने के लिए देंगे और तुम बनाओगे। तो चलो टेबल में चलते हैं, है ना? तो जल्दी जल्दी बनाओ, है ना? तो मैंने इसे दे दिया है होमवर्क, मैंने इसे दे दिया है बनाने के लिए, तो चलो बेटा जल्दी जल्दी बनाओ। तो मैं फैन ऑन कर देती हूँ, तो फटाफट बनाओ। पेंसिल कहाँ गया? तो जल्दी जल्दी बनाओ और हम चले अब खाना बनाने। हम आ गए अब खाना बनाने। हमारे घर में ना बहुत चिट्टी है, देख सकते हैं इतना चिट्टी, हमारे घर में ना बहुत सारा चिट्टी है, तो हमें हर चीज़ को छुपा छुपा के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर सारा चिट्टी खा जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं खाना बनाने। तो आज मैं खाना में क्या बनाऊंगी? तो मैं चावल चढ़ा देती हूँ, फिर मैं उधर जाके सब्जी काटती हूँ। इतना चिट्टी है ना हमारे घर में कि हमेशा कुछ करने से पहले बर्तन को धो लेना पड़ता है, क्योंकि चिट्टी ना घूमते रहती है सारा दिन अपना खाना ढूंढने के लिए। तो मैं चावल को चढ़ा लेती हूँ। मैंने चढ़ा दिया चावल, मैंने ना कपड़ा डाला और इसे चलाना ही भूल गई। तो तुझे हंसी आ रही है? मैं कपड़ा डाली और इसे चलाना ही भूल गई, तो मैं इसे चला भी देती हूँ, तो इसे ऑन कर देती हूँ। ये ऑन हो गया, तो मेरा कपड़ा अब धुल रहा है और मैं इधर खाना भी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी, उधर मैंने चावल के लिए पानी चढ़ा दिए हैं, और मैं यहाँ बनाऊंगी दाल। तो मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है, अब मैं बनाने वाली हूँ ये नहीं बनाऊंगी। तो
तो मैं उड़द दाल बना रही हूँ। ये है हमारा उड़द दाल, तो पता नहीं आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन हमारा बेटा को ये बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं उड़द दाल बना रही हूँ, अपना बेटा का मन पसंद है ना। बेटा तुझे उड़द दाल पसंद है ना? मेरा बेटा को बहुत पसंद है उड़द दाल, तो मैं आज उड़द दाल बना रही हूँ। उड़द दाल इस तरह से होता है, तो इसे मैंने धो लिया है क्योंकि ये मेरा बेटा को ना बहुत पसंद है, तो इसमें कुछ डालना नहीं पड़ता है, साधारण ही अच्छा लगता है। मेरा पानी गर्म हो गया है, तो मैं चावल भी डाल देती हूँ। तो इसमें लहसुन इस तरह से डाला जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला जाता है, इसमें लहसुन, हल्दी और थोड़ा सा नमक, तभी इसका नेचुरल टेस्ट मिलता है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी, ये थोड़ी सी मैंने हल्दी लिया, ये मैंने इसमें डाला हल्दी, ज़्यादा हल्दी भी नहीं। और इसमें डालना है नमक, ये मैंने डाला इसमें नमक, बाद में डाल लेंगे यदि कम हो जाएगा तो। मैंने डाल दिया, अब मैं इसे बंद करूंगी और मैं इधर चढ़ाऊंगी। ये चूल्हा ना मेरा खराब हो गया है, ये हमारा भिंडी ना एक सप्ताह पुराना है, इसीलिए काला हो गया है, तो हम सोच रहे हैं इसी को बनाते हैं कि बहुत दिन से सब्जी मार्केट नहीं गए हैं, पता नहीं ये टेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि हम बाज़ार गए तो, यदि एक बार बाज़ार चले गए ना, तो हमारे क्या बोलते हैं, हमसे ना पैसा इतना खर्चा होता है। आज यही खा लेते हैं, कल सब्जी ले आएंगे दूसरा। तो फ्रिज से तो इसे हम कल ही निकाले थे बनाने के लिए, लेकिन कल इसे मैं बनाई नहीं। अगर बाज़ार हम चल गए तो मेरे हाथ से ना पैसा ऐसे निकलता है कि पूछिए ही मत, इसीलिए बाज़ार जाने से अभी बच रहे हैं। जो सड़ा गला है बना लो भाई, खाने के समय देखा जाएगा, इसे खूब पका देंगे, खूब पकाएंगे पक ही जाएगा, पकना ही है। सारा भिंडी खराब हो गया मेरा, अब थोड़ा सा आलू छील लेंगे, किसी ने इतना खराब भिंडी नहीं खाया होगा मेरे ख्याल से, टेस्ट आएगा भी या नहीं आएगा कि बेकार से लग रहा है। चलो बना के ही देखती हूँ, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, आलू खा लूँगी। ए बेटा सुनते हो, इसे बाहर फेंक के आओगे क्या? ये मैं दे रही हूँ, तुझे उड़द दाल पसंद है बेटा? तुम्हारा फेवरेट चीज क्या है? अच्छा, और चिकन और उड़द दाल, ये दोनों तुझे पसंद है? वाओ, तो बहुत चिकन बॉडी मिलता है, चिकन बॉडी उससे प्रोटीन मिलता है, बॉडी बिल्डर फूड होता है, तो तुम्हारा बॉडी कहाँ बन रहा है? लो इसको बाहर फेंक के आओ, तो मम्मी का मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मत इधर गिरा देना, एकदम दूर फेंक के आना,
हाँ वहाँ पे क्या डॉगी तुम्हारा भिंडी खाएगा? हाँ डॉगी रोटी मांगता है, गाय खा लेगी भिंडी बेटा। हाँ गाय खाएगी। तुम तो आधा लेते आया वापस। अच्छा है काची, अच्छा है, उसमें छिलका ही है, क्योंकि इस चूल्हा में कुछ पकने वाला तो है नहीं। तो हम यहाँ पे जीरा नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे पचफोरन डाल रहे हैं। इसमें डाल देते हैं हम प्याज, डाल देते हैं हरी मिर्च, एक बार खाना को भी तो चला लूं जरा। तो हमारा खाना हो चुका है रेडी, तो इसमें से पानी निकाल लेते हैं। मैंने सब्जी को इतना पकाया कि पता नहीं भिंडी पक ही चुका होगा सब लगता है, ये भिंडी पक नहीं रहा था। इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी, ये नमक मैंने पहले ही डाल दिया था इसमें, ये मैंने डाल दिया हल्दी। और ये है हमारा किचन किंग, मैं से उल्टा बोला है, पाउडर। ये है गरम मसाला पाउडर, पता नहीं गिरा कि नहीं गिरा, गिर गया। और ये है हमारा जीरा पाउडर, क्योंकि किचन किंग में सब कुछ मिक्स था, फिर भी मैं ऊपर से ये सब डाल रही हूँ। यदि हम टमाटर को ऐसे करके डालेंगे ना तो सब्जी में छिलका नहीं मिलता है टमाटर का। यस, इसमें से ऐसे करेंगे, थोड़ा सा पका देंगे तो इसमें से छिलका निकल जाएगा। बस इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस छिलका निकलने तक ही पकाना है। तो छिलका निकलने तक पक चुका है तो सब्जी को मैंने इतना पकाया कि इसका कलर आप देख सकते हो। ये बहुत पुराना था ना, इसीलिए मैं इसको इतना ज्यादा पकाया। तो अभी ये हमारा भिंडी की सब्जी रेडी हो गई है। अकेले खाने के लिए ना सोचना पड़ता है क्या बनाएं, तो किसी तरह मैंने कभी कभी काम चलाना पड़ जाता है, और ज़्यादा जनसंख्या है तब तो बनाना ही है, और अकेले रहने से यही होता है। कुछ भी थोड़ा सा बनाओ खाओ, पेट भरने से मतलब है। एक बार एक जन के लिए कितना, एक जन के लिए बनाना, ऊपर से एक बार खाना, कितना बनाया जाए। तो अब हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं। हम लोग का यही सूखा दाल चावल और सब्जी बन गया है। आप लोग देख सकते हैं बच्चा कैसे खाना खा रहा है, घूम घूम के खाओ। तो फ्रेंड आज का इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और जल्दी जल्दी हमारा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।